दोस्तों नगीना लोकसभा सीट पर हमारी टीम का ये चौथा दिन है। आज के दिन हमने सोचा कि हम बुजुर्गों से बात करेंगे। देखिए बुजुर्ग ही बता पाएंगे कि असल में दलित समाज चंद्रशेखर के साथ है या फिर मायावती जी के साथ है। हमने नगीना में अब तक घूमकर ये तो देख लिया था कि चंद्रशेखर के साथ मुस्लिम और दलित समाज खुलकर है, लेकिन इसमें क्या 50 साल के ऊपर का दलित वोटर जिसने बहन जी का सख्त शासनकाल देखा है वो चंद्रशेखर के साथ जा रहा है या फिर नहीं, या फिर वो बहन जी के साथ है। हमारे सहयोगी ने पूरा एक दिन बुजुर्गों के साथ बात करके ये समझने की कोशिश की कि दलित वोटर किसके साथ है, बीएसपी के साथ है या फिर चंद्रशेखर के साथ है। देखो जी इस टाइम दो बात दो की चल रही है। कौन कौन? एक तो ये क्या बोल रहे हैं सर चंद्रशेखर, हाँ, और एक ये फूल वालों की। अच्छा, फूल वाले यानी बीजेपी, हाँ, इनकी लड़ाई बढ़िया चल रही है। हाँ तो दादा हाथी और साइकिल की कोई बात करेगा नहीं करेगा अखिलेश यादव मायावती की? हाँ इनकी भी चलेगी। बस अब वोट कई जगह फटने वोट बटेंगे बहुत ज्यादा बेकार ही रहा काम। तो चंद्रशेखर की बड़ा माहौल बना हुआ है यहाँ पर टाइट एकदम पूरे गांव में हम देख रहे हैं। हाँ चंद्रशेखर का, हाँ उनका माहौल ज्यादा बना हुआ है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने सबको इतना किया गरीबों के लिए, इतना सब कुछ किया, देखिए इस बार हम 400 सीटें लेकर आए जीत जाएंगे पूरा। हाँ हाँ वो भी होगा, ये तो वोट बांटने हैं क्यों मोमडन वोट वो जो फूल पे नहीं जाना। अच्छा हरिजन वोट है इसमें से कुछ जावेगा, ये तो कई जगह फट गया हरिजन तो जो हिंदू समाज। तो मायावती के पे तो जाएंगे? हाँ उन पे जाएंगे, जो भी जाएंगे मतलब जाएंगे फट फट के एंगांगे सी बस यही और कुछ नहीं। बड़ा मुश्किल है चुनाव निकालना इस बार है किसी हाँ, के लिए। हाँ, ये इस बार का चुनाव बड़ा तगड़ा है। आइए आइए चचा आइए अंदर आइए 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 ना आ जा। कुछ काम वाम हुआ चचा गांव में? नहीं हुआ अभी तक कोई काम नहीं हुआ आज हमारे गाँव में, कुछ नहीं काम ना हुआ। क्या काम हो रहा? कुछ भी ना हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ आज तक। अरे बन जाए ये और मुंह से गाली ले जाए ये आकर नहीं फिरते देखते नहीं ये वोट को। तो भाइयों यहीं आकर तू कहोगे तुम ऐसी बात कर रहा आकर नहीं देखते। 5 साल तक तो ये देखते ही नहीं आकर, कोई मरो जो और जामेंगे कहाँ से आया भाई फलान जगह से तुमने वोट ही ना दिए लुका दिए। जीत के निकल गए हैं? जीत के निकल गए इस बार तो ये समझिए कि हमारे आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर राज जो हैं ये सबसे आगे हैं, क्योंकि हमने और बिरादरों से ही पूछा है क्योंकि हमारा फील्ड का काम ज़्यादा है। तो उन्होंने भी ये कहा है कि ओम कुमार तो बिल्कुल बेकार है और हम जो है नई पार्टी बनाना चाहते हैं। इस बार कुछ सुधरेगा, कुछ अगली बार बेहतर हो जाएगा, सब कुछ अगली बार सुधर जाएगा। तो ये नगीना लोकसभा सीट तो हम आजाद चंद्रशेखर की ही निकालना चाहते हैं और निकलेगी 100%। क्या खास बात क्या है चंद्रशेखर में, क्यों लोग चंद्रशेखर की इतनी बातें कर रहे हैं? वो एक तो उनकी खास बात ये है कि उनके कैंडिडेट अगर कहीं किसी को मुसीबत आती है ना जाए तो वो एकदम तुरंत पहुंचते हैं और वो खुद भी आए और या अपने कैंडिडेट को भेज देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो विपक्ष है ओम कुमार हैं भाजपा से हैं उनकी तो आजकल जो बड़े बड़े लोग भी यूँ कहते हैं भैया आज तक हमारा कोई काम सोल नहीं हुआ और ये समझ लो कि इसलिए जो है चंद्रशेखर को याद कर रहे हैं, सब लोग ही याद कर रहे हैं हर बिरादरी का। बिरादरी कोई भी हो, कोई जात धर्म कोई भी हो, कोई सब कोई भी जात मतलब जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो इस बार आप भी चंद्रशेखर को जिता रहे क्या? चंद्रशेखर तो अभी बीजेपी वाले कुछ लोग उधर कुछ लोग मिले वहाँ पर वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं ये तो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, सिक्योरिटी को टीम मिल गई है, बहुत सारी चीजें बोल रहे थे। अरे सब अपनी अपनी कहमे हैं, सब कहते हैं अपने चुनाव है तो कहने में क्या जा रहे हैं, कहने में क्या जा रहा है, ये बात सही है। तो कुछ आपको उम्मीद है क्या कि अगर चंद्रशेखर मान लीजिए जीत जाते हैं तो कुछ बढ़िया करेंगे आप लोगों के लिए, कुछ होगा? बिल्कुल उम्मीद तो यही है, देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है। नया कैंडिडेट कोई आएगा तो वो कुछ ना कुछ तो जनता के प्रति करेगा ही, पहले से करता आ रहा, वो हर जगह करते आ रहे हैं भाई। चंद्रशेखर आजाद जो है पहले से करते आ रहे हैं भाई, जहाँ भी कहीं किसी को मुसीबत आती है देखो छोटा लोग हो या बड़ा लोग हो वो हर जगह एकदम तुरंत पहुँचते हैं या अपने कैंडिडेट को किसी को भी सदस्य को भेज देते हैं तो समस्या हल हो जाती है। लेकिन ये तो आना तो दूर, साले फोन बजाते रहो कोई आने को तैयार ही नहीं है। अच्छा बहुत है, बहुत भ्रष्टाचारी है इस सरकार में। अच्छा। हमें पसंद नहीं है पता। बीजेपी तो कह रही भ्रष्टाचार को एकदम जेल भेज दिया है। कुछ नहीं, सब भ्रष्टाचार
भरा पड़ा। हम थाने तहसील में रह गया, रिटायर हुआ हूँ मैं, बहुत भ्रष्टाचार है। अच्छा, तो यहाँ पर सपा और बसपा का क्या माहौल है नगीना में? नगीना में देखो, सपा और बसपा का तो खत्म ही समझिए, यहाँ पे माहौल सिर्फ जो है भाजपा और आजाद समाज पार्टी का ही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर कह रहे थे अखिलेश यादव साथ आ जाते चंद्रशेखर के तो बात कुछ और होती और बढ़िया चुनाव होता, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे जो है मुस्लिम लोगों से ही हम बात करते हैं तो वो भी बेचारे सब चंद्रशेखर को ही चाह रहे हैं, क्योंकि पहले कई बार जो है ऐसी सिस्टम खराब हो गया है, तो हम ये सोच रहे हैं ना तो हम मायावती को दें और ना ही हम जो है सपा को दें, और इसलिए जो है हम नई पार्टी को चंद्रशेखर जो यानी कि एक नए जुझारू बेचारे व्यक्ति हैं उनको वोट करें। दोस्तों देखिए, उल्टा चश्मा यूसी की टीम बिहार से, बंगाल से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव की कवरेज के लिए ग्राउंड पर है। देश की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर यानी कि आपकी प्रज्ञा एक बार में एक ही जगह पर तो रह सकती है, और अब तो देश की बात है, इसीलिए इस बार मैंने ये डिसीजन लिया है कि एक नहीं अनेक मेल फीमेल प्रज्ञा होनी चाहिए जो अलग अलग जगहों पर जाकर रिपोर्ट करके आपको जमीनी हकीकत बता सके। यूपी, दिल्ली, बिहार, बंगाल, एमपी में विपक्ष के नेता बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। मेरे सहयोगी जो ग्राउंड से रिपोर्ट भेज रहे हैं वो मैं आपको दिखाती रहूंगी और हर सीट का हाल बताऊंगी। उल्टा चश्मा यूसी के साथ बस आपको जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारा साथ देना है। नमस्कार।